तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सरल तरीके से फटाफट बनने वाली पनीर भुर्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीनास 24 किचन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, दो बड़े प्याज, दो टमाटर और आधा शिमला मिर्च को चॉप करके रख लिया है और 1 से 1.5 इंच अदरक और 3-4 हरी मिर्च को चॉप करके रख लिया है। तो अब हम पैन चढ़ाएंगे और पैन में ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब उसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब हमारा क्रैकल हो जाएगा तो कटे हुए प्याज डालेंगे, साथ में ही चॉप किए हुए अदरक और हरी मिर्च को डालेंगे। 5 मिनट के बाद जब प्याज हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और साथ में ही कटे हुए टमाटर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालकर इन सबको अच्छे से चलाएंगे और चलाने के बाद ढक्कन लगा करके इन्हें 5 से 10 मिनट तक टमाटर गलने तक पकाएंगे। 5-6 मिनट के बाद जब हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसमें कटे हुए शिमला मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा चलाने के बाद उसे 2 मिनट के लिए ढक करके पका लेंगे ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से मसालों में आ जाए। अब पनीर को थोड़ा मोटा मोटा सा मैश कर लेंगे और पैन में डालकर मसालों के साथ इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और आधी कटोरी दूध डालेंगे, साथ में ही 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे। दूध डालने से हमारी पनीर भुर्जी का टेक्सचर एकदम क्रीमी क्रीमी से लगने लगेगा जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद 5 मिनट तक ढक करके पका लेंगे और अब 5 मिनट के बाद ये देखिए हमारी पनीर भुर्जी बनकर एकदम तैयार है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।